अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल वीआईपी के लिए सड़क को रोका गया था, यानी जिस तरह से ट्रैफिक को रोका जाता है, वीआईपी को जाने के बाद ट्रैफिक को खोला जाता है, इसी तरह कल भी ऐसा ही वाकया हुआ जिसमें एक एम्बुलेंस फंस गई थी और एम्बुलेंस के डॉक्टर्स आकर ट्रैफिक पुलिस वालों से रिक्वेस्ट किए कि उसमें पेशेंट है, उनको छोड़ा जाए, लेकिन वो नहीं माने और जब तक वो वीआईपी नहीं गया तब तक उनको रोक के रखा गया। बड़ी अफसोस की बात है, जहां बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं वहीं पर ऐसी हालत तेलंगाना में और ख़ासतौर पर हैदराबाद में, और पुलिस की जानिब से जो काम को अंजाम दिया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। शेख शफी और तकी रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। नाजरीन, वीआईपी को सिक्योरिटी देने के नाम पर इंसान की जान के साथ खेला जा रहा है। एक ऐसा ही वाकया आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से देखने को मिला, जहां पर वीआईपी की सिक्योरिटी के लिए सारे ट्रैफिक को रोका गया जिसमें एम्बुलेंस भी फंस गई। कई देर खड़े रहने के बाद डॉक्टर्स की जानिब से उतरकर ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वो गाड़ी को छोड़ा जाए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अपनी जिद पे अड़ी रही और इंसान की जान से ज्यादा वीआईपी को अहमियत दी है। इस तरह की वाकयातों में इजाफे होते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरी है कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करें और जिस तरह से बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे थे तेलंगाना पुलिस को लेकर वो खोखले नजर आ रहे हैं, ये मंजर बड़ा अफसोसनाक। जरूरी है कि फिर कभी ऐसा वाकया ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत। बहरहाल, यहीं के एक जिम्मेदार ने ये सारी वीडियो अपने कैमरे में कैद किया और देखते देखते ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि फिर कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। तकी रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, प्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।